तो भाई आज के इस वीडियो में एक ऐसा थीम शेयर करने वाला हूं जिसके अंदर लॉक स्क्रीन की जीरो कस्टमाइजेशंस हैं, बट स्टिल ये जो थीम है आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। एक और थीम है जिसका प्रीव्यू मैं आपको दे देता हूं, जो कि मैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें आपको लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन भी भर भर के देखने को मिलती है। वैसे मैंने काफी सारे थीम्स के वीडियो बनाए हैं जिनमें लॉक स्क्रीन स्पेशली सबसे ज्यादा जो है मेन पॉइंट रहता है, बट इस वीडियो के अंदर जो ये थीम है ना, ये आपको जो है लॉक स्क्रीन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा हाईली फोकस्ड है, और इसको यहाँ पे आप मिस मत करना वीडियो को। तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने प्लान कर रखे हैं जो कि आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो इस थीम को आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो ये आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब देखो, अगर आपके पास HyperOS इंडियन यहाँ पर जो है HyperOS वर्जन आप यूज कर रहे हो, या फिर ग्लोबल आई डोंट नो कि उसमें आपको इंपोर्ट का बटन देखने को मिलता है या फिर नहीं, ये MTZ फॉर्मेट में आपको जो है देखने को मिलेगा, तो डाउनलोड कर लेना। अब ये MTZ टेस्टर है भाई, आई डोंट नो ये काम करता है या फिर नहीं। अगर आप यहां पे सेटिंग में जाओगे तो यहां पे दो मोड्स आपको मिल जाते हैं, आप किसी एक या फिर किसी दूसरे से ट्राई कर सकते हो। देखो यहां पे थीम्स वगैरह मैंने लोड करके रखे हैं थोड़े से, यहां से आप कोई भी सिलेक्ट कर लेना, आपको यहां पर थीम वगैरह मिल जाएगी। और समटाइम्स ये ना यहां पे लोड नहीं करता, तो इसको एक बार टैप करना, और उसके बाद ये देखो फोर्थ यहां पे आ चुकी है, तो इसको अप्लाई करने की कोशिश कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली आपकी ये जो चीज है वो काम कर जाएगी। और अगर आपको HyperOS के अंदर किसी को पता होगी कैसे जो है MTZ टेस्टर वगैरह या फिर किसी और MTZ फाइल को कैसे यहां पे इंपोर्ट करते हैं, तो वो आप कॉमेंट्स में बता देना, मैं आपका कॉमेंट पिन कर दूंगा। अब देखो इस थीम के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसकी स्टेटस बार। यहां पर जो स्टेटस बार है इसके अंदर आपको यहां पर जो है iOS के आइकॉन्स मिल जाते हैं। ये कस्टम मैंने जो है iOS टाइप यहाँ पे कंट्रोल सेंटर लगा रखा है, जो कि iOS 18 से हाईली इंस्पायर्ड है। इसका वीडियो वैसे नहीं आया, आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा अगर आप जो है 50 लाइक्स कंप्लीट कर देते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको iOS के स्टेटस बार मिल जाते हैं। बेसिकली जो आजकल हम HyperOS के थीम्स यूज करते हैं वो MIUI 14 के ज़्यादा कंपेटिबल होते हैं, और उनमें जो स्टेटस बार है वो चेंज नहीं होती, बट यहाँ पर आपकी स्टेटस बार चेंज होगी। जो आइकॉन्स हैं इनमें जो एनिमेशन है वो आप देखो भाई काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहां पर जो है सबके सब एनिमेटेड आइकॉन्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। उसके बाद डॉक बार आपको मिल जाएगा। अगर आप सेटिंग को ओपन करोगे तो यहां पे पूरा का पूरा लुक आपको iOS टाइप देखने को मिल जाता है। यहां पर भी लेआउट आप देख सकते हो, मैं आपको टॉगल यहां पर दिखाता हूं भाई, जो टॉगल्स हैं वो भी आपको iOS के देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहां पर जो सेक्शन आपको प्रोवाइड किए गए हैं ना, वो भी देखो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और लेफ्ट साइड में जो आपको ऊपर देखने को मिलता है जो बैक का बटन है, यहां पर भी देखो डिफरेंट सी कस्टमाइजेशन आपको मिलती है। बाकी एडवांस्ड फीचर्स के अंदर देखो पूरा का पूरा लेआउट आपको iOS टाइप देखने को मिलता है, और जो क्लोजिंग का बटन है वो आप देख सकते हो यहां पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाता है। और उसके बाद अगर आप जो है इसका डायलर देखना चाहते हो तो ये भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल आपको मिलेगा। और देखो जो थीम के अंदर अगर आप जाओगे ना, यहां पर टॉगल्स देखो काफी ज्यादा अच्छे हैं, और ये कुछ ऐसे आपको जेस्चर्स के साथ एनिमेशंस देखने को मिल जाएंगे जो कि डिफरेंट आपको जो है एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद थीम कंपोनेंट्स में जाओगे, इसमें लॉक स्क्रीन की कोई भी कस्टमाइजेशंस आपको देखने को नहीं मिलती। ये जा रहे जो थीम्स है इसके वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, सारे के सारे थीम्स ऑलमोस्ट मैंने रिव्यू कर रखे हैं, तो उनको चेक कर लेना। यहाँ पे स्टेटस बार के से लेके आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है, बूट ऑडियो भी आपको इसके अंदर नहीं मिलती, फेवरेट स्ट्रे वगैरह देखने को मिलती है। और अगर आपको ये iOS का रिसेंट मेन्यू चाहिए तो भाई ये आप अप्लाई कर सकते हो, इसका वीडियो भी आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए आप इसको अप्लाई कर लेना, और मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपको थीम कैसा लगा, और ये विजेट भी आपको साथ में ही देखने को मिलता है।